नाते शरीफ, दुआएं, हदीस और इस्लामी के तारुख से कुछ और भी हमें सुना सकते हैं। तो नाज़रीन इस बात का खास ख्याल रखिएगा, तभी भी आप कॉल करेंगे तो आपकी टीवी का वॉल्यूम कम रहना चाहिए। तो ये नाज़रीन इस प्रोग्राम का फर्स्ट कॉल ऐड करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। आपकी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम बताइए। जी क्या सुनाना पसंद करेंगे आप हमें? जी सुनाइए। हेलो जी सुनाइए। जी सुनाइए, हमें सुनाइए आप। हेलो हेलो, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट है। कोई बात नहीं नाज़रीन, आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह जरूर लग जाएगा। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम है दिलकश लम्हे रोशनी के साथ। ये प्रोग्राम के ज़रिए आप हमें नाते सुना सकते हैं और दुआएं, हदीस और इस्लामी के तलुक से कुछ और भी सुना सकते हैं। आप कुछ जो आता है वो सुना सकते हैं। तो नाज़रीन, तभी आप कॉल करेंगे तो आपकी टीवी का वॉल्यूम कम रहना चाहिए, वरना आपका रब्ता हमसे ना हो पाएगा। तो नाज़रीन, बस आपको इतना करना है, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर कॉल कीजिए और आप हमसे रब्ता कीजिए, बातचीत कीजिए। तो आइए नाज़रीन, और एक कॉल ऐड करेंगे हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम बताइए। जी तरन्नुम जी, क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? सुनाइए। हेलो जी सुनाइए। Bye.
माशाल्लाह बहुत खूब। तरम जी जी तरम जी आप तो हमारे डेली कॉलर हो चुके हो, तो शुक्रिया तरम जी, ऐसे ही कॉल करते रहिएगा, अल्लाह हाफिज। तो नाजरीन आपने अभी देखा कि तरन्नुम ने कितने अच्छे अंदाज में और बेहतर तरीके से नात शरीफ हमें सुनाई है, तो आप भी सुना सकते हैं, आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जो उस पर कॉल कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए हमसे, और आपको जो आता है इस्लामी के ताल्लुक से हम हमारे सामने पेश कीजिए। तो नाजरीन आपको बस इतना करना है, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए। तो नाजरीन इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, तब भी आप कॉल करेंगे तो आपकी टीवी का वॉल्यूम कम रहना चाहिए, वरना आपका रब्ता हमसे ना हो पाएगा। तो आइए नाजरीन और एक कॉल को ऐड करेंगे हम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपकी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हेलो जी बोलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम तबस्सुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप तबस्सुम जी? हम मुस्तमिल से बात कर रहे हैं जी। क्या सुनाना पसंद करेंगे आप हमें? हम जी आप हम दरबार जी सुनाइए जरूर। हेलो बाजी, रात में मेरी लाकात ये दुआ बन के तमन्ना कर रही। जी जी कोई बात नहीं, आपको जो आता है आप पढ़िए। माशाल्लाह बहुत खूब तबस्सुम जी, और आपको कुछ आते हैं कुरान शरीफ की सूरतें दुआएं हदीसे कुछ आते हैं आपको? जी पढ़िए। हेलो يوم يدور الناس أشياء
माशाल्लाह सदकल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब शुक्रिया तबस्सुम जी, ऐसे ही कॉल करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज। बाकी रोजा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया से कॉल करते रहिए। अल्लाह हाफिज। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप है रोजा तबस्सुम जी? हेलो, हमारे 5 साल से थे जी। जी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल रखेगा, ठीक है जी। शुक्रिया से कॉल करती है, अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन आपने अभी देखा जो कि तबस्सुम जी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में नाद शरीफ भी पढ़े हैं और कुरान शरीफ की एक छोटी सी आया सूरतें भी पढ़ी हैं जो कि बहुत खूबसूरती के साथ पढ़े हैं। तो नाज़रीन आप भी पढ़ सकते हैं, बस आपको इतना करना है कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए और आपको इस्लामिक के बारे में जो मालूमात है, आपको जो कुछ भी आता है हमें हमारे सामने पेश कीजिए। तो नाज़रीन तभी आप कॉल करेंगे तो आपकी टीवी का थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहना चाहिए, वरना आपका रब्ता हमसे ना हो पाएगा। तो नाज़रीन जब तक कॉल आता है हम एक छोटी सी नात आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन कॉल ऐड करनी है हम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम बताइए। जी अक्सर जी, क्या सुनाना पसंद करेंगे आप हमें? जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हम तुम जब हम कैसे फोन कर रहे थे तुम बोले ना कि नाचते नाचते हम बाद में कालीन लगा के बोले फिर बाद में पूरे कुछ कर दिए पूरा नाटक सुनाने का होगा। जी जी इंशाल्लाह कल आपको और ये टाइम पे नशर करेंगे तो आप कल इंशाल्लाह देख सकते हैं नाथ शरीफ। अब आप क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? कुछ सुना सकते हैं तुम्हें? मेरे दादा अली पूरा नाम सुना। जी ये नाद शरीफ का प्रोग्राम नहीं है, ये दिलकश लम्हे, आप हमें सुना सकते हैं ये प्रोग्राम में। जी सुना सकते हैं आप कुछ? जी जरूर, यही तो प्रोग्राम है, सुनाने का प्रोग्राम। जी सुनाइए, जरूर सुनाइए। जी आपके टीवी का थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है। जी जी सुनाइए। माशाल्लाह, और कुछ आता है आपको कुरान शरीफ की आयतें, हदीस, दुआएं? हेलो, कुरान शरीफ पढ़ते? जी जरूर पढ़िए माशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
जी माशाल्लाह। और हदीसें आती हैं आपको, दुआएं, हदीसें, छोटी छोटी हदीसें, दुआएं? हेलो जी, जरूर पढ़िए अफसर जी। हेलो, हेलो जी जी माशाल्लाह। और सुना रहे हैं या बस इतना ही आपके लिए? दुआएं सुनाना जी, जरूर सुनाइए। दुआएं सुनाना, दुआ नंबर एक, खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। दुआ नंबर दो, खाने के बाद ये दुआ करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अक़ामना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। दुआ नंबर तीन, तुझे याद आवत था तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तीन मनाता मनी वस्तुमान सफानी। दुआ नंबर चार, दूसरी कर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वलिदना मिन्हु। दुआ नंबर पाँच, अगर शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो याद आने पर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा फला हुआ फिर। दुआ नंबर छः, छोटे वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतो आहिया। दुआ नंबर सात, सबसे पढ़ते तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अंजाना बादा मामा तरा वैला इन्दुसे। जी जी आहिस्ता आहिस्ता। दुआ नंबर आठ, बादल खुला में जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्ना उब्दिका मिनल कुत्ती वल कबाई। दुआ नंबर नौ, बादल खुला से निकलो तो कुबरा में जाता है, फिर ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अला बानी लदवा पानी। दुआ नंबर दस, वसु शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ नंबर ग्यारह, वजू के दरमियान ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़म्बी वग़फ़िर ली बीदारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। दुआ नंबर बारह, वजू के बाद ये दुआ पढ़े, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वअशहदु अन्ना शरीका लहु वअशहदु अन्ना मोहम्मद अब्दु व रसूलु। अल्लाहुम्मा जाअलनी मिनत तवाबीन व जाअलनी मिनल मुतातहिरीन। दुआ नंबर तेरह, मस्जिद में जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इफ्तहली अबवाब रहमतिक। दुआ नंबर चौदह, मस्जिद से निकले तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा
जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह जी। आपको दीनी तालीम में ऐसे ही तरक्की दे, आमीन जी। शुक्रिया अक्सर जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें सुनाए दुआएं, हदीस और नात शरीफ। शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमें ऐसे ही कॉल करते रहिए। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन आपने देखा अभी अक्सा ने जो कितने अच्छे अंदाज में बेहतर तरीके से उन्होंने नात शरीफ और दुआएं और हदीसें भी सुनाई हैं हमें। तो नाज़रीन आप भी कॉल कर सकते हैं, बस आपको इतना करना है आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए। और आपको इस्लामी के ताल्लुक से जो भी आता हो, जैसा कि हदीसें हैं, दुआएं हैं और कुरान शरीफ की कुछ छोटी सी सूरतें हैं आपको, और इस्लामी के बारे में जो भी मालूमात है उसके लिए हम आप हमारे सामने पेश कीजिए। और बस ये करने के लिए आपको बस इतना करना है, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया है उस पर कॉल कीजिए। तो नाज़रीन मायूस ना हो, ट्राई करते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा आपको कॉल। तो नाज़रीन आपको बस इतना करना है, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए, हमसे बातें कीजिए। और आपको इस्लामी की तरफ से जो भी आता हो हमारे सामने पेश कीजिए। तो नाज़रीन आप जब भी कॉल करेंगे तो आपकी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहना चाहिए, वरना आपका रब्ता हमसे ना हो पाएगा। तो नाज़रीन तब तक कॉल लगाए, हम आपके लिए छोटी सी नात पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन तब तक के लिए आप ट्राई करते रहिए, इंशाल्लाह कॉल ज़रूर लग जाएगा, मायूस ना होगा। और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए और हमारे सामने आपको जो भी इस्लामी के ताल्लुक से जो भी मालूमात है और जो भी आपको आता है वो हमारे सामने पेश कीजिए, इंशाल्लाह कॉल ज़रूर लग जाएगा। रहमान आ गया तकसीम करने नेमतें, रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। मशरूफ है अमल से, और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। इल्म व अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। इस्लाम मोहब्बत का पयाम, अल्लाह का इनाम, खालिक का है पैगाम। कैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान। हेलो हेलो जी आंटी जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुमेरा है। कहाँ से बात करें आप सुमेरा जी? मुस्तनी से बात कर रहे।
मेटपल्ली से। जी जी क्या सुनाना पसंद करेंगे आप हमें? जी सुनाइए। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज में आपने नात शरीफ पढ़ा। और कुछ आते हैं आपको सुमेरा जी? हेलो जी, क्या आता है आपको? जी सुनाइए, जरूर सुनाइए। माशाल्लाह सुमेरा जी। हेलो जी जी, आप सुमेरा जी, आप टीवी रोशना टीवी डेली देखते हो आप? ऐसा जी, ठीक है। इसमें से कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है? जी शुक्रिया, ऐसे ही कॉल करते रहिए। अल्लाह हाफिज। हेलो जी जी, हेलो, हमारे बहना है। ओ जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, ऐसे ही कॉल करते रहिए। अल्लाह जी, ठीक है। अब हम ही करते जी, ठीक है, ऐसे ही कॉल करते रहिए। अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, सुमेरा जी जो थी कॉल अभी, तो उन्होंने बेहतर तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में, खूबसूरती के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ उन्होंने हमें नाद शरीफ सुनाई है और एक कुरान शरीफ की एक सूरत भी सुनाई है। तो माशाल्लाह बहुत खूब, शुक्रिया सुमेरा जी, ऐसे ही कॉल करते रहिएगा। और नाज़रीन, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कितने नाज़रीन ने हमें कॉल किया, हमसे राब्ता किया है और नात शरीफ भी किए हैं और न जाने से कितने ही हदीसी दुआएं हैं उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। तो नाज़रीन, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। तो नाज़रीन और एक कॉल ऐड करेंगे हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
وعلیکم السلام جی, آپ کا نام بتائیں. ہلو جی, آپ کی ٹی وی کا والیوم کم کیجیے. جی بولیے, کیا سنانا پسند کریں گے آپ ہمیں؟ جی ضرور سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باپ کی لاڈلی دولت تجھ پر خدا کا رہے امر ہے, تو ہمیشہ پورا کرن چاندنی کی طرح جگمگا کرن پاک کی لاڑی مورے نگر تجھے تجھ پر خدا کا رہے پالا ہل قدم پر سنالا ہم کی بات لڑے تیری سائی میں ہم نے گلیاں بچھا تیری رانی میں اپنے ہر پل کو ہم دیکھاتے رہے اور تجھ کو مائی جاگر تکاتے رہے باپو کی لاڈلی ماں کی نورِ نظر سجن تک پر خدا کا رہے امر بھر. ماشاء اللہ جی, اور کچھ آتا ہے آپ کو حدیث دعائیں؟ جی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, شکریہ. سے کال کرتے رہے گا. جی 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 ٹھیک ہے, سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ, بہت خوب, شکریہ کال کرنے کے لیے. ایسے ہی کال کرتے رہے گا. اللہ حافظ. تو ناظرین, آپ نے ابھی دیکھا کہ کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اچھے طریقے سے کال کیا ہے. تو آئیے ناظرین, اور ایک کال ایڈ کریں گے ہم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ کا نام بتائیے. ہمارا نام سمرن بیگم ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم نظام بخت پر آتما گھر سے بات کریں. جی کیا سنانا پسند کریں گے آپ ہمیں؟ کیا بتائیں؟ کیا سنانا پسند کریں گے؟ نعت. جی سنائیے. ہیلو, اے میرے پیارے بابا جان ڈالے. جی نعت شریف کا پروگرام نہیں ہے, اسی یہ صرف نعت سنا. جی اس میں کیا ہے, آپ صرف ہمیں نعت سنا سکتے ہیں, اسلامی کے تعلق سے کچھ اور بھی سنا سکتے ہیں, لیکن یہ نعت سن نہیں سکتے. کوئی بات نہیں, آپ کو
اگر جو آتا ہے اسلامی کے تعلق سے کچھ اور بھی تو ہمیں سنائیے. جی آپ کیسے چلے؟ جی الحمد للہ. جی سنا سکتے ہیں کچھ آپ ہمیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سنا سکتے ہیں کیا آپ ہمیں؟ سورہ دعائیں حدیث نعت شریف. ہیلو. ہاں بولیے. جی سنائیے کچھ آپ کو آتا ہے. لگتا ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں, تو ناظرین ٹرائی کرتے رہیے, انشاءاللہ ضرور لگ جائے گا. تو ناظرین ایسا نہ ہو کہ آپ کال کرتے رہیے اور وقت گزر چکا ہو اور پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہو, تو ایسا نہ ہو. تو ناظرین آپ کو اتنا کرنا ہے, آپ کے ٹی وی اسکرین پر جو نمبر دکھا ہے جو اس پہ کال کیجیے اور ہم سے رابطہ کیجیے, ہم سے بات چیت کیجیے. اور آپ کو جو بھی اسلامی کے تعلق سے جو بھی معلومات ہیں اور یا آپ کو سورہ واقعہ یا کچھ بھی جیسا کہ حدیثیں ہیں, دعائیں ہیں, نعت شریف ہیں, قرآن شریف کی صورتیں ہیں, آپ کو جو بھی آتا ہے ہمیں ہمارے سامنے پیش کیجیے. تو ناظرین ایسا نہ ہو کہ پروگرام کا اختتام ہو چکا ہو اور آپ کال کرنے میں رہ جائے, تو ایسا نہ ہو. تو ناظرین جلدی بس آپ کو اتنا کرنا ہے, آپ کے اسکرین پر جو نمبر دکھا ہے جس پہ کال کیجیے اور ہم سے رابطہ کیجیے. تو ناظرین جب بھی آپ کال کریں گے تو آپ کی ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا کم رہنا چاہیے, ورنہ آپ کا رابطہ ہم سے نہ ہو پائے گا اور کال ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تو ناظرین کال تب تک کال آتا ہے, ہم ایک نعت شریف. سرور میں مجھ کھویا ہوا رہنے دو, اس پہ دنیا جو کپا گئے تو کپا رہنے دو. سرور میں مجھ کھویا ہوا رہنے دو, اس پہ دنیا جو کپا گئے تو کپا رہنے دو. دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا, سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا. قربان جاؤ یا نبی تیرے مقام پر, تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. ویرانیاں نہ آئے گی آنکھوں میں اب کبھی, خاک درے رسول کا سرما لگا لیا. سینے میں گے بغار سا میلا لگا ہوا جب سے تمہارے درد. تو ناظرین دلکش لمحے روشنی کے ساتھ ایک پروگرام اختتام کو پہنچ چکا ہے. تو ناظرین دعا میں خاص خیال رکھے گا, بے اجازت, اللہ حافظ. میں تو عاشق ہوں.